आपने ये बुक लिखी है सुंदरम स्पीक्स जी तो बहुत अट्रैक्टिव है इसका कवर पेज लेकिन कवर uh, पेज पे जाने से पहले मैं जाना चाहूँगी कि सुंदरम क्या है हमने ये भूमिज में सुना है सत्यम शिवम सुंदरम जी क्या कोई कनेक्शन है <laughs> देखिए uh, जो शब्द सुंदरम है इट्स अ संस्कृत वर्ड संस्कृत से आया है और जो हमें सुंदरता के बारे में बताता है जब हम ज़्यादातर सुंदरता की बात करते हैं तो किसी के शरीर के साथ किसी के नैन नक्श के साथ जोड़ते हैं किसी की काठी के साथ जोड़ते हैं पर जब वास्तव में सुंदरता की बात होती है वो हमारी दृष्टि से होती है क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी बना है वो सुंदरम ऊर्जा से बना है यानी कि वो सुंदर ही है इसीलिए उसका निर्माण हुआ है अब अगर आप उस चीज़ में सुंदरता नहीं देख पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम उस चीज़ की नहीं है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमें लोटस तो बहुत सुंदर लगता है पर जो लोटस के नीचे जो कीचड़ है वो हमें अच्छा नहीं लगता हमें लगता है कि पाँव गंदे हो जाएंगे या फर्श गंदा हो जाएगा ये क्यों एग्जिस्ट करता है पर अगर हम उसे सुंदरम की ऊर्जा से देखते हैं तो हम ये रियलाइज़ करेंगे कि अगर कीचड़ नहीं है तो लोटस भी नहीं होगा ना? अगर हम उसको सुंदरम स्पेस से देखेंगे तो हम ये रियलाइज़ करेंगे कि इसी से ही जो लोटस है अपनी स्ट्रेंथ ले रहा है है ना? तो इन दोनों को आप दो स्पेसेस में भी बांट सकते हैं जैसे लोटस क्या है हमारा स्पिरिचुअल प्लेन है हमारा फिजिकल प्लेन क्या है हमारा कीचड़ है ज़्यादातर जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम क्या करते हैं हम वी एम फॉर स्पिरिचुअलिटी कि हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है गलत बात नहीं है हमें स्पिरिचुअलिटी में ऊपर अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना चाहिए पर अपनी रूट्स में ग्राउंडेड रहना चाहिए क्योंकि अगर हम अपनी फिजिकलिटी में ग्राउंडेड नहीं रहेंगे तो क्या होगा स्पिरिचुअलिटी हमारे किसी काम की नहीं होगी फिर हम सिर्फ जिसे कहते हैं कि हिमालय पर रहेंगे और संसार से दूर चले जाएंगे क्योंकि हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही हो जाता है कि हम हिमालयस पे चले जाएं वहाँ ध्यान करें साधना करें और अपनी फ़िज़िकलिटी से दूर चले जाएं पर वहां जाने के बावजूद भी आपका जो स्ट्रेस है जो आपका अंदर टर्मोइल चल रहा है वो कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि आप लाइफ के एक एस्पेक्ट को मिस कर रहे हैं तो सुंदरम हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअल फिजिकल दोनों बराबर है सेम है और जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ये वैसे ही एक दूसरे के साथ चलते हैं सो सुंदरम यानी कि अगर कोई चीज बनी है अगर सृष्टि में किसी चीज का निर्माण हुआ है तो उसका कोई मतलब है आपको उसका मतलब नहीं पता वो अलग बात है पर अगर वो है तो उसका कोई मतलब है और वो मतलब सुंदर है जी ये तो एक बड़ा ही ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन था पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये कोई व्यक्ति है सुंदरम एक तो दृष्टि तो है ही जी क्या कोई व्यक्ति विशेष भी है जी देखिए सुंदरम हम सब में है हम सब में एक सुंदरम वास करता है या मैं ऐसे कह लूँ कि सुंदरम इज इक्वल्स टू योर सोल आपकी आत्मा ही वो सुंदरम का काम करती है क्योंकि आपकी जो दिव्य दृष्टि है आपका जो जीवन जीने का नज़रिया है जीवन को देखने का नजरिया है वो कहाँ से आता है आपकी आत्मा से आता है आपके प्योर वर्जन से आता है तो ये एक व्यक्ति विशेष नहीं है पर ये एक ऊर्जा है जो फॉर्मलेस है जो हम सब में वास करती है और हम सब उसमें टैप इन कर सकते हैं कोई किसी की एक पर्सनल जायदाद नहीं है वो में एनर्जी जी तो आ, क्या ये कोई हाई सोल है माने होती तो सभी सोल्स है पर क्या ये मतलब मैं इनको एक समझने की कोशिश कोशिश कर रही जी, जी। देखिए जैसे आपका फिजिकल बॉडी और आपका सोल आपका सोल एक एक्सपैंड कॉन्शियसनेस है और आपकी जो बॉडी है उस कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करती है उसको चाहे आप कह लीजिए कि वो बीस परसेंट पर ऑपरेट कर रही है जो उसकी स्ट्रेंथ है सोल की जो स्ट्रेंथ है उसके बीस परसेंट पर तीस परसेंट पे या किसी भी प्रोपोर्शन में ऑपरेट करती है ठीक उसी प्रकार से हम सबके पास ये जो सोल होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जो सोल है हमारे लिए एक पेरेंट का काम करती है क्योंकि हम अपनी सोल से अपनी बॉडी को जन्म देते हैं यही पेरेंट सोल हम इसे सुंदरम कहते हैं इट इज़ लाइक एन ओवर सेल्फ ऑफ मी या आप कह सकते हैं जैसे धरती पर आपको माता पिता जन्म देते हैं ठीक उसी प्रकार से आत्मा के स्तर पर आपको आत्मा जो जन्म देती है हम हाँ उसे पेरेंट सोल कहते हैं तो आप सुंदरम को एक पेरेंट सोल की तरह ले सकते हैं जैसे मेरी जो सोल है अपने आप को आइडेंटिफाई करती है इस नाम से सुंदरम आपकी जो सोल होती है वो आपको किसी भी और नाम से आइडेंटिफाई करवा सकती है पर एसेंस दोनों का सेम है जो लर्निंग है जो जीवन देखने का तरीका है वो एलिवेटेड स्पेस जो है जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो सेम है हाँ ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अपना पर्सनल काम किया है आप कितना रेडी हैं उस हायर स्पेस में जाने के लिए जैसे एक गुब्बारा उतनी ही हवा अपने अंदर भर सकता है जिसकी उसमें क्षमता है यू you नो know? पर अगर आप गुब्बारे को फुलाएं फिर आप उसे थोड़ा ढीला छोड़ दें फिर से फुलाएं फिर ढीला छोड़ दें तो उसकी जो एबिलिटी है हवा भरने की उसके अंदर बढ़ती जाएगी ठीक उसी प्रकार से जब आप अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करते जाते हैं तो आप हायर एनर्जीज के प्रति ओपन हो जाते हैं तो अपनी सोल से उसी प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं